चीनी को यार बीच में डाल देते हैं, खुल के पाओ चीनी यार, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं। चलो सही बन गया यार। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मोर देन न्यू ब्लॉग। सबसे पहले यार तुम लोग को रमजान अल मुबारक का पहला अशरा और पहला रोजा और पहली सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूँ हबीब लाई और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल हबीब इन ब्लॉग। तो अगर अभी तक तुम लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, 95% यार ऐसे लोग देख रहे हैं यार, सब्सक्राइब करते नहीं हो यार। मैंने तुम लोग यार ये जो बगैर सब्सक्राइब किए मेरी वीडियो देखते हैं और भाग जाते हैं यार, तुम लोग बाद आ जाओ। मैंने तुम लोग घर आके तुम लोग की फेंटी लगा देनी यार, सब्सक्राइब मारा करो फिर आगे गया करना। तुम लोगों ने ये एक नीचे जो तुम लोग का लाल कलर का बटन नजर आ रहा है यार, कोई चीज उठाओ, मम्मी का कपड़े धोने वाला बर्तन उठाओ, कोई जूता उठाओ, पत्थर उठाओ, उठा के यार उसके ऊपर मारो, बस चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। रमजान शुरू होते ही यार एक गुड न्यूज आई है और मैं तुम लोग को आगे चल के बताऊंगा। चलो यार अभी बता देता हूँ। गुड न्यूज ये है कि यार वाईफाई अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं 4-5 months से कोशिश कर रहा था कि यार किसी तरह पैसे इकट्ठे करके लगा लूं, तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अब वो लगवाने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आज या कल लग जाएगा। तो आज पहला रोज है तो इंशाल्लाह आज मैंने उसको फोन किया वाईफाई को, तो मैंने कहा यार आओ और लगा जाओ। तो एक तो यार उसकी तबीयत सही नहीं हो रही, पता नहीं उसको क्या मसला हो गया, अब भी मसला होना था यार। जब अभी यार फाइनली उसको कहा है, वो इंशाल्लाह आज या कल आके लगा जाएगा, तो वो भी आप लोगों को ब्लॉग में शेयर कर दूंगा। बाकी यार तुम लोगों ने ये कहना है कि लाइक और सब्सक्राइब करके लाजमी बेल आइकन को लाजमी दबाना है, ताकि जब भी ब्लॉग आए तो ठा करके तुम लोग के मोबाइल के ऊपर आ जाए। बाकी यार ना दो तैयार हो चुका हूँ, तो अभी यार फाइनली ये कहना है कि बाजार चलते हैं और वहाँ पे एक तो यार जूस वाला जो जग है उसके नीचे से जो होता है ना घूमने वाला वो खराब हो गया, और एक यार दो नंबर चीजें बनाते हो, कोई अच्छी चीज बनाया करो यार। जग उठाते हैं और चलते हैं बाजार, उसको ठीक करवाते हैं, कुछ फ्रूट वगैरह भी लेना है, बाकी चलते हैं। हाँ मतलब भाई की तरफ मैं आ गया हूँ, मतलब भाई इधर आए ना एक बार मुझे बताएं, ये इस बेचारी छोटी सी दीवार का क्या कसूर था? ये मिट्टी के साथ डाल दिया सारे सीमेंट के साथ। आपको अभी पता नहीं है, दरवाजा बड़ा लगाना है। अच्छा मेरे पास पैसे नहीं थे, तो इस वजह से मैंने ये काम किया। यार ये स्याना बंदा है, स्याना बंदा। ये जग उठा लिया सर, यही करवाना है कि ये इसका नीचे से खराब हो गया। चलते हैं, सुबह से लेट कर रहा था वाईफाई वाले का, वो तो आया नहीं। ऐसे अब अफ्तारी का टाइम हो गया, तो अफ्तारी की तैयारी करते हैं। और मैंने छुरी उठा ली और अब बनाने लगा हूँ नींबू पानी, मतलब तो फ्री है फिर टाइम तो गुजर नहीं रहा, मैंने कहा नींबू पानी बनाते हैं, इसके बाद फिर जूस भी बनाना है, इतने में फिर इंशाल्लाह अफ्तारी का टाइम हो जाएगा। तो आप लोग भी यार घर में बेशक बनाया करो, नो प्रॉब्लम, टाइम ऐसे ही गुजरता है। ये नींबू और ये नमक है और साथ चीनी भी रख ली है, तो इस पे बनाते हैं। पहले नींबू डाल लेते हैं इसमें ना अच्छी तरह, नींबू मैंने अच्छी तरह बीच में डाल दी है, और अब है चीनी की बारी। तो कुछ इलम नहीं है कितनी डालनी है, क्योंकि ये तो अब बाद में पता चलेगा कितनी डलिए, ज़्यादा हो गई है थोड़ी, अपने हिसाब से डालते हैं, बाकी देखी जाएगी। और साथ नमक भी डालते हैं, ये तैयार करके फिर जूस बनाना है जल्दी जल्दी, अभी टाइम बहुत कम रह गया, तकरीबन 20-25 मिनट रह गया शायद। इधर मैं आ चुका हूँ किचन में, ये रहा जग और ये है मशीन, इसके ऊपर इसको कर देते हैं फिक्स। ये रे केले, इनको आप बीच में धड़ाधड़ डाल देना है और इसका स्विच लगा देते हैं, चारों के चारों इंशाल्लाह बीच में ठोक देने हैं। अरे तो इसको भी डाल देते हैं बीच में, ये भी फाइनली निकाल के इसको भी बीच में डाल देते हैं ठाम। और ये भी बीच में 3 केले जा चुके हैं, अभी बीच में 3 केले जा चुके हैं, तो एक और डालते हैं और ये चौथा भी डाल देते चीनी यहाँ से, और चीनी को यार बीच में डाल देते हैं, खुल के पाओ चीनी यार, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं। ये करते हैं ऊपर से बंद, माशाल्लाह सही बन गया यार। अभी कचरा यार यहाँ फेंकते हैं, रखते हैं यहाँ पर। पता है तुम लोग को पहले यार शैतान रोकता था मेरे चैनल सब्सक्राइब करने से, तो अब तो यार शैतान को भी उधर बांध दिया गया है, तो आप तो यार सब्सक्राइब मार दो, बाकी तुम लोग को दिखा दूंगा अफ्तारी अफ्तारी के लिए क्या क्या चीज़ें रेडी। इधर मज़ेदार पकौड़े आ गए, साथ आ गए यार अमरूद खजूरें और माल्टा,
इसमें क्या है जी, इसमें फ्रूट चाट और साथ। फाइनली यार मैं उठ चुका हूँ और आज अल्हम्दुलिल्लाह चौथा रमजान मुबारक है और टाइम हो चुका है 4:15। सर 3 रोजे गुजर चुके हैं और लड़के का अभी तक पहला व्लॉग कंप्लीट नहीं हुआ। यार एक इशू ये है कि एक तक थोड़ा कंटेंट कम है, ऊपर से बड़ा इशू है कि वाईफाई नहीं लग रहा। वाईफाई कल मैं उनके दफ्तर गया था, उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी यार खुदा के वास्ते लगा दो आके, मुझे ज़रूरत है। और दूसरे यार सिम वाले सिग्नल जितने इधर अच्छे नहीं चल रहे और पैकेट बहुत महंगे, नया फोन नहीं चुका। बाकी वाईफाई का उन्होंने कहा है क्योंकि जिस भाई ने वाईफाई आके लगाने है कनेक्शन करने है उसकी तबीयत सही नहीं है और वो एक हफ्ते से बीमार पड़ा है, तो अल्लाह पाक उसको शफा दे। बाकी इंशाल्लाह जैसे ही वाईफाई लगता है भाई थोड़ा धड़ व्लॉग डालेंगे, पूरे रमजान मुबारक की सीरीज जो शुरू की है इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। बाकी अभी पहला व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। सहरी में दिखाता हूँ आप लोग को क्या है, पराठे और आलू की। आज जो दूसरा व्लॉग आएगा ना, आज जब दूसरा ब्लॉग में स्टार्ट करूँगा वो माशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वो आप लोगों ने लाजमी देखना है। हो चुके हैं तो चलते हैं सैरी करते हैं और सैरी करने के बाद इंशाल्लाह फिर नमाज का टाइम और ब्लॉग को भी यहीं एंड कर देंगे। बाकी यार सैरी आ चुकी है और सैरी में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस पराठे हैं और साथ आलू कीमा है, तो अभी यही भी गुजारा करते हैं और माशाल्लाह अच्छी सैरी है। बाकी ब्लॉग को आज बैठे बैठे यहीं एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो लाइक और सब्सक्राइब तो लाजमी कर दीजिएगा जो तुम लोग नहीं करते। आज मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।